एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआईआर नेट के बारे में। अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली उन्होंने एमएससी में मतलब आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको डाउट रहता है कि मैम सीएसआईआर नेट होता क्या है। और उसके बाद एक और मेजर डाउट है जिससे इंस्टाग्राम पूरा भरा हुआ है मेरा, जिससे आप लोग पूछते हो कि मैम एलएस और जेआरएम में डिफरेंस क्या है, जेआरएम में स्टाइपेंड कितना मिलता है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। और सबसे मेन क्वेश्चन कि जिसके लिए हम लोग पागल हुए पड़े हैं, सुबह शाम दिन रात पढ़ रहे हैं, तो उस एग्जाम के बाद हमें कौन से जॉब हमें मिलने वाली है, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज वाले वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, उससे भी पहले आप लोग ना मुझसे पूछते रहते हो बार बार। वैसे तो हर वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे इंट्रो वाला पार्ट आता है चैनल का, उसमें पूरे पेज पे सब लिखा हुआ मिलता है आपको, लेकिन फिर भी अगर नहीं देखते हो डायरेक्टली एक दो मिनट से चलाते हो वीडियो को, तो देख लो यहाँ से ये सारी चीजें हैं। तो जो भी आपको चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि सीएसआईआर नेट होता क्या है। सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और नेट क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये पेपर जो होता है वो हम क्या करते हैं, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है आपकी एमएससी, मतलब आपकी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो आपकी एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में। जो लोग इंटीग्रेटेड वाले भी होते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले, जिनकी एमएससी प्लस पीएचडी साथ में होती है, तो वो भी इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। और ना उसके बाद आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम अगर मेरे पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है, या फिर मेरे पास बीएससी में मेरे पास फिजिक्स नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ होता है? तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर कि आपके पास बायो होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे बायो बैकग्राउंड से हो या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से हो, सब मैटर नहीं करता है। एक चीज जो मैटर करती है वो ये कि आपके पास एमएससी आप कर रहे हो या फिर आपकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं? तो आप बिल्कुल दे सकते हो। ऐसा स्पेसिफिकली जो नेट का ब्रोशर होता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसमें भी लिखा हुआ आता है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सीएसआई नेट का पेपर दे सकते हैं। तो जितने भी लोग फर्स्ट ईयर में हैं अभी वो देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल पेपर दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे सपोज करो आपने पेपर दिया अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, आप क्वालिफाई कर गए हो, तो अब क्या होगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको इमीडिएटली मिल नहीं जाएगा। जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको सीएसआईआर ऑफिस जाके या फिर उनको डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करके जब उनको दिखा दोगे अपनी एमएससी की मार्कशीट, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखेंगे। अभी क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ये कि इसमें होता है आपको चाहिए होते हैं 55% मार्क्स इन योर एमएससी। एमएससी में ओवरऑल 55% मार्क्स, जो मैं बात कर रही हूँ 55% की, इसका मतलब है एमएससी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स मिला के, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक के मार्क्स मिला के आपके ओवरऑल एवरेज 55% होना चाहिए, 55% और ग्रेटर देन 55% होना चाहिए। दिस इज फॉर ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी, ये है आपके ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए। अब मैं ये वाला हटा रही हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी क्या है, जो ये मार्क्स है 55%, दिस इज फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। और जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनका क्या होता है, उनके लिए होती है 50%। आपको एमएससी में चाहिए होते हैं 50% फॉर एससी एसटी एंड पीपल विथ डिसेबिलिटी, इनके लिए होती है आपको मिनिमम चाहिए होते हैं 50%। अगर आपके मार्क्स 55% से कम है आपके एमएससी में, तो फिर आप ये पेपर नहीं दे सकते हो, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है। तो पहली बात तो हुई मार्क्स वाली। उसके बाद जब आप पेपर फिल करते हो ना, सीएसआईआर नेट का पेपर जो होता है, इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है एलएस जिसका मतलब होता है लेक्चरशिप, और एक होता है हमारे पास जेआरएफ। तो जब भी आप नेट का फॉर्म फिल करोगे, सीएसआईआर नेट का फॉर्म जब आप फिल करोगे, तो इसमें आपके पास फॉर्म में ही दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है एलएस का, एक होता है जेआरएफ का। आपको चूज करना होता है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको एलएस चाहिए, मतलब आपका क्वालिफाई हो तो आपको एलएस का सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जेआरएफ का। एलएस क्या होता है? लेक्चरशिप। लेक्चरशिप का मतलब आपको बताऊंगी अभी आगे कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब होता है कि आप मतलब एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, सिर्फ इतना ही है लेक्चरशिप। उसके बाद है जेआरएफ। तो अब क्या होता है, अगर आप जेआरएफ ऑप्ट करते हो, जो दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों से आप चूज करते हो एक, तो क्या होता है, अगर आप जेआरएफ ऑप्ट करते हो, तो इसका मतलब होता है आपका अगर जेआरएफ हो गया है, तो उसमें क्या होता है, जेआरएफ प्लस नेट माना जाता है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, और अगर आप नेट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, मतलब मेनली यही होता है कि जब आपका जेआरएफ हो गया है, तो आपका नेट भी उसी में काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है,
अब अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हो तो मतलब मान लो इस तरह से लिखाएगा आपके सर्टिफिकेट में जेआरएफ और ब्रैकेट में लिखा होता है नेट। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप कहोगे ना नेट तो यहाँ पर भी हो रहा है और नेट यहाँ पर भी हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, एक तो सबसे पहली बात जो जेआरएफ है इसके लिए एज लिमिट होती है, जेआरएफ के लिए आपके पास क्या होती है एज लिमिट, और वो कितनी है 28 ईयर्स, ये एज होती है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे फीमेल्स इंक्लूडेड नहीं है। अब क्या होता है, दिस इज जनरल फॉर जनरल प्लस ओबीसी, इनके लिए क्या होता है 28 ईयर्स होती है। उसके बाद 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर फीमेल भी आती है यहाँ पर, तो फीमेल कैंडिडेट्स को क्या होता है 5 ईयर्स का कैंडिडेट्स रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 28 प्लस 5 लगा लो 33, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो जेआरएफ के लिए एज होती है। अगर आपकी एज, अगर आप एमएससी में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपका एमएससी का अगर गैप है तो उसके बाद आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए एज लिमिट होती है। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से ज्यादा है और आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एनएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक डिफरेंस होता है कि एज का डिफरेंस यहाँ पर आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हाँ, एक और बात होती है, अगर आपने सपोज करो आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स से ज्यादा है, सपोज आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स से ज्यादा है, लेकिन आपने क्या किया है, आपने फॉर्म फिल कर दिया है जेआरएफ से, जो ऑप्शन चूज करना होता है आपको फॉर्म फिल करते टाइम, वहां पर आपने चूज कर लिया है जेआरएफ, तो जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो आपको एलएस का ही मिलेगा, आपको जेआरएफ में काउंट नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको शिफ्ट कर देंगे इस वाली कैटेगरी में, एलएस मिलेगा आपको, फिर जेआरएफ नहीं मिलेगा। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारी बात हो गई, एक तो मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, उसके बाद हमारा ये हो गया कि यहाँ पर हमें एज लिमिट क्या है। नेक्स्ट जो होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कई बार ये क्या होता है जैसे सबको ना कंफ्यूजन, तो एक ऐसे कहते हैं स्टार्टिंग से मैं देख रही हूँ एक क्वेश्चन, कई बार मैंने क्लियर करने का ट्राई किया है बट फिर भी क्वेश्चन आता रहता है, वह फिर से बता रही हूँ। वो ये है कि जब पेपर एक हो रहा है तो इसके लिए, हाँ पेपर दोनों अलग अलग नहीं है, पेपर आपको सेम ही आएगा। अच्छा पेपर के ना एक और क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का, कि जो पेपर होता है वो इंग्लिश में आता है या फिर हिंदी में आता है, तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करते हो नेट का तो उसमें ना आपसे मीडियम पूछा जाता है कि आप कैसे पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में। अगर आप ऑप्ट करते हो इंग्लिश मीडियम, फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप ऑप्ट करते हो इंग्लिश मीडियम, तो फिर जो आपका पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन अगर आप चूज करते हो हिंदी मीडियम, अगर आप चूज करते हो हिंदी मीडियम, तो अब क्या होगा, जो आपका पेपर आएगा वो बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होगा और हिंदी में भी लिखा होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम चूज करना है अपना, और आपका जो क्वेश्चन होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहले इंग्लिश में लिखा होगा फिर हिंदी में लिखा होगा, तो इस तरह से होता है। लेकिन अगर आपने चूज कर लिया इंग्लिश मीडियम, फिर आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया? अभी हमें देखना है कि एलएस और जेआरएफ, जब हमारा पेपर सेम होता है, एक ही पेपर है उसमें अलग अलग मिलना है एलएस और जेआरएफ, तो वो कैसे मिलेगा, उसके लिए देखते हैं एक बारी कि क्या कंडीशंस होती हैं। अभी तक जून 2019 तक हमारा जो पेपर होता है वो है हमारा 200 मार्क्स का। अभी क्या है, जो हमारे दिसंबर से पेपर होने वाला है, दिसंबर 2019 से, उसमें अभी ऐसी नोटिफिकेशन आई है, मतलब ट्विटर पे जैसे उन्होंने ट्वीट किया था सीएसआईआर ने, वो बोला था कि पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो वो कितने मार्क्स का पेपर होगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा, उसका तो हमें अभी नहीं पता क्योंकि नोटिफिकेशन कोई ऑफिशियल अभी जनरेट नहीं हुई है। उससे पहले की मैं बात कर दूं कि जो हमारा पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का। तो जो ये 200 मार्क्स का पेपर है इसमें ना कट ऑफ आती है, अलग अलग कट ऑफ आती है, एक आती है आपके एलएस के लिए, एक आती है जेआरएफ के लिए। सपोज करो आपकी एलएस के लिए कट ऑफ आई है 100 मार्क्स है आपके एलएस के लिए, और आपकी 110 आई है जेआरएफ के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जेआरएफ की कट ऑफ होती है वो हमेशा ही नेट से ज्यादा होती है। अभी क्या होगा, जैसे ये कट ऑफ तो आ गई कि इस पेपर में कोई जो पेपर है, सपोज करो जून 2019 वाला पेपर है, उसमें मान लो कि एलएस की कट ऑफ 100 आ गई है और जो जेआरएफ है उसकी आ गई 110। तो अब जिन बच्चों के मार्क्स 110 है या फिर 110 से ज्यादा है, मतलब ये लगा लो
110 से लेकर 200 के बीच में जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स का स्कोर आया है, उन सबको मिलेगा जेआरएफ। और जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 100 से लेके 110 के बीच में आए हैं, मतलब ये लगा लो 109 तक जिनके आए हैं, उनको मिलेगा एलएस। मतलब वो उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ एलएस मिलेगा। जैसे आपको ध्यान रखना है, जिन बच्चों के मार्क्स इस कैटेगरी में होंगे उनकी रैंक फिर एलएस में आएगी। आपने कई बार बोलते हुए सुना होगा कि मेरी नेट में 22nd रैंक है। जैसे मेरी भी आपको बोलती हूँ कि मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट में 22nd रैंक थी, तो वो इसीलिए थी कि जो मेरे मार्क्स थे वो जेआरएफ वाले इस वाली कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए थे, इन दोनों के बीच में कहीं लाइक कर रहे थे, इसलिए मेरी रैंक थी 22। तो अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आते तो फिर आपको मिलता है जेआरएफ, और जो आपकी रैंक आएगी वो आपकी जेआरएफ से ही होगी। इधर समझ में आ गया। अभी हमें करना है कि जो एलएस के फायदे क्या है और जेआरएफ से हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं, वो सब हमें देखना है। तो ये तो हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया एलएस और जेआरएफ का कैसे कैसे होता है। अभी हमें देखना है कि जॉब्स कौन सी है नेट और जेआरएफ के बाद। तो देखो, सबसे पहला की तो ये बात है कि जेआरएफ है क्या। नेट का मतलब होता है, जैसे आपको नेट मिलता है, जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताई, तो नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये किसके लिए होता है? ये होता है आपके लेक्चरशिप के लिए। मतलब आप अभी किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने के एलिजिबल हो गए हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो जब आपका एलएस होता है या फिर नेट जिसको बोलते हैं, एलएस और नेट मतलब क्या है? सेम ही है। तो क्या होगा, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरा एलएस हो गया, तो वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि उसका नेट हो गया है। तो नेट और एलएस सेम और जेआरएफ अलग है। तो अब क्या है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन अगर आपके पास जेआरएफ है तो अब आपके पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो कहीं पर पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि जेआरएफ के ब्रैकेट में लिखा होता है नेट। तो जिसका जेआरएफ हुआ है उसका नेट तो ऑटोमेटिकली हो ही गया होगा, क्योंकि आपको कट ऑफ मैंने दिखाई है, जेआरएफ की ज्यादा ही होती है उससे। तो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पे पढ़ा तो सकते हो, मतलब यहाँ पे लेक्चरशिप भी तो अवेलेबल हुई आप, लेकिन साथ में आप पीएचडी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी पीएचडी कर सकते हो, और आपको साथ साथ क्या मिलेगा, स्टाइपेंड। तो अभी हमें देखना है साथ साथ कि यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है, है ना। तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस करती हूँ, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहली बात, जनरली जो होता है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो लोग सीएसआई या नेट का पेपर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको एमएससी के बाद उनको पीएचडी करनी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी सीएसआई नेट के फायदे क्या होते हैं? अच्छा, मेरा एक स्टेप मिस कर गई, मतलब एक पॉइंट मुझे जो बताना था अर्जेंटली वो ये था कि जो बच्चे जिनके अभी बीएससी कंप्लीट हुई है, जो भी अपने एमएससी फर्स्ट सेम में है, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है, और अगर वो चाहते हैं कि वो नेट का फॉर्म फिल करें, तो उनके लिए ना स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया होगा नोटिफिकेशन में भी कि जो दो ऑप्शन है कि एलएस या फिर जेआरएफ, इसमें से आपको एक चूज करना है फिल करते टाइम, तो आप एलएस चूज नहीं कर सकते हो, आपको जेआरएफ से ही फिल करना है। तो आप गलती से भी ऐसे मत सोच लेना कि एलएस की कट ऑफ तो कम आती है तो हम एलएस के लिए ही ट्राई कर लेते हैं, हमें भाई अच्छी रैंक आ जाएगी, तो ये सब मत सोचना। आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जेआरएफ आपको अप्लाई करना है। जेआरएफ का मतलब ये हो जाएगा, अगर आपके जो कट ऑफ है, मतलब आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ जेआरएफ ही ले सकते हो, आपको एलएस नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ बीएससी है, और बीएससी वाले कहीं पे जाके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद आपको जिस जेआरएफ के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा, आपको दो साल के बाद ही वो मिलेगा। और जो जेआरएफ होता है, एक और मेजर डिफरेंस होता है एलएस में और जेआरएफ में, वो ये कि एक तो इसके लिए एज लिमिट होती है 28 ईयर्स। हमारे पास लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप 50 ईयर्स आपकी एज है, 60 ईयर्स कितनी भी एज है आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो और लेक्चरशिप के लिए मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और एक और बात ये होती है, जो आपका जेआरएफ होता है वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ये बात बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होती है, मैंने ऑब्जर्व किया है जैसे आपके मैसेजेस आते हैं उससे, कि जो जेआरएफ है इसको ध्यान से रखो कि वो सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है। तो अगर आपने मान लो 2019 में आपका जेआरएफ हुआ है, तो वो 2021 तक ही मतलब वैलिड है, इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप 2021 के बाद अगर आप पीएचडी में अप्लाई करते हो, तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है, जेआरएफ सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, एलएस इज फॉर लाइफ टाइम। इसके लिए कोई यहाँ पर ईयर का ऐसा कुछ है नहीं कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए है, एलएस आपका लाइफ टाइम के लिए है, और जो जेआरएफ है वो सिर्फ 2 साल के लिए यूज हो सकता है, आप उसको जैसे भी यूज करना चाहो।
अभी हमें देखना है कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर नेट एंड जेआरएफ। तो नेट का तो सिर्फ एक ही है, वो किसके लिए है, लेक्चरशिप के लिए। तो अगर आपका नेट हो गया है, एक काम करते हैं, अच्छा चलो ठीक है नेट की बात करते हैं। अगर आपका नेट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ नेट क्या है, एक सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हुई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अभी किसी सेक्टर में मतलब किसी कॉलेज में आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप कहां पर पढ़ा सकते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाओ या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। लेकिन अभी क्या होता है, जो रियलिटी है मैं आपको बताती हूँ कि देखो अभी क्या होगा, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर लगा दूंगी आपको दिखेगा। वैसे तो नेट जो है वो मतलब एलिजिबिलिटी है कि अगर आपके पास एमएससी है आपकी और साथ में नेट है तो आप एलिजिबल हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो अगर आपके पास नेट है और साथ में एमएससी आपकी कंप्लीट है, तो आप क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रियलिटी ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, एग्जांपल के लिए आपको ड्यू का एग्जांपल दे लूं, तो अभी थोड़े मतलब कुछ टाइम पहले एक दो वीक पहले ही नोटिफिकेशन आई थी, उसमें क्या था, ड्यू में ना 6 सीट आई थी केमिस्ट्री के लिए, 6 सीट्स फॉर केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर। अब क्या था, उसमें लिखा तो सिर्फ यही हुआ था कि एमएससी प्लस नेट चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कुछ कैंडिडेट्स के जो अलग अलग हैं, जैसे आपके बीएससी में कितने मार्क्स हैं उसके लिए आपको अलग से स्कोर दिया हुआ है कि अगर 80% से ऊपर तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप जैसे आपका एमएससी का है तो एमएससी के लिए आपको 23 मिलेंगे, अगर 80% अबव है या फिर 60 या 80 के बीच में है तो आपको 23 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से करके अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, नेट प्लस जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से करके उन्होंने क्या क्या है, पूरी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस बनाई हुई है, और ये सब कुछ मिला के क्या है, अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसे करके आपके रिसर्च पेपर्स है उनके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है, कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है। तो ये सारी चीजें मिला के इन्होंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, अच्छे से रीड कर सकते हो। तो ये सब क्या है, सब कुछ मिला के ये क्या है, 100 मार्क्स का है, और इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, आप रीड करो इंस्ट्रक्शंस में, कि जो ये टोटल हमने 100 मार्क्स का क्राइटेरिया बना दिया है, तो अब जिस स्टूडेंट के मार्क्स 100 में से 75 बन रहे होंगे, आप खुद से ऐड करके देख सकते हो, मिनिमम 75 बन रहे होंगे, 75 या फिर 75 से ज्यादा वाले, उनको हम कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज आपके पास इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। समझ के क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एमएससी और नेट तो है लेकिन फिर भी हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्कोर है, मैं खुद अपना स्कोर ऐड करके दे रही थी, क्योंकि मेरे पास क्या है, एमएससी है, ग्रेजुएशन में 80% प्लस है, ऐसे करके मैंने 25 प्लस 13 ऐसे करके मार्क्स मतलब मैंने ऐड किए जितना भी उनका दिया हुआ है, तो मेरे मार्क्स 50 में नहीं बन पा रहे, मेरे मार्क्स 50 से भी कम ही है, मतलब 48-49 के अराउंड बन रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट मेरे मार्क्स 50 में नहीं बन पा रहे, तो मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इस तरह से देखना है। अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया था, आपने पूछा था मुझसे कि मैम मैं नॉर्थ कैंपस में पढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो देख लो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको अपना स्कोर 75 से ऊपर लेके जाना है अगर आपको डीयू में पढ़ाना है, या फिर नॉर्थ कैंपस तो छोड़ो, डीयू के किसी भी कॉलेज में पढ़ाना है, तो फिर ये है क्राइटेरिया, इस तरह से होता है। तो ये बात तो करी मैंने डीयू की, जिसकी नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आई थी तो मुझे मिल गई। अब क्या होता है, ये तो हमारे चलो बात होगी, अभी ना मैंने एक और देखी थी, वो ये कि बीएचयू में आई थी कुछ वैकेंसी, 2 वैकेंसी आई थी शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर के लिए, तो वहां पे उन्होंने क्या मांगा हुआ था, वही था कि एमएससी प्लस नेट ही चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा था कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एमएससी प्लस नेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए किसको बुलाना है वो हम डिसाइड करेंगे, सबको इंटरव्यू कॉल आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास एमएससी प्लस नेट है तो इसका ये मतलब मत समझना कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू तो अभी होना है, और ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती हैं, वो कोई एग्जाम नहीं लेती हैं। तो कंडीशन ये होती है, अगर आप इस तरह का कंडीशन मतलब सेटिस्फाई कर जाओ, या फिर कुछ उनका डायरेक्टली जिन्होंने मांगा हुआ एमएससी प्लस नेट, वहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, लेकिन फिर भी पीएचडी वालों को एक्स्ट्रा स्कोर मिलता है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर मिलेगा, हम लोग फिर भी थोड़ा फाइट कर लेंगे, तो ध्यान रखो गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, और गैप अगर ज्यादा नहीं भी है तो भी वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, आपको देखने को मिलेगा कॉलेज में सिर्फ कभी 6 सीट आ रही है, कभी 5 सीट आ रही है, तो इस तरह से आती है कॉलेज में सीट, इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ बहुत ही डिफिकल्ट होता है।
तो अगर आपने ऐसा एम बनाया हुआ है कि हम नेट के बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मतलब इस तरह से पढ़ा लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि पीएचडी को एक्स्ट्रा स्कोर मिलता ही है और आपको इंटरव्यू तो देना ही है। तो ये बात तो करी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि डीयू की फॉर एग्जांपल, या फिर आईआईटीज में मैंने, हाँ आईआईटीज में क्या होता है वो तो डायरेक्टली लिखते हैं कि उनको पीएचडी चाहिए, एमएससी प्लस नेट प्लस पीएचडी, और कई बार क्या होता है उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, वो बोलते हैं पीएचडी के बाद भी उनको 2-3 साल का या तो रिसर्च एक्सपीरियंस या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वाला सीन किसका है, आपका डीयू का और आईआईटी का, जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, जैसे सपोज करो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र स्टेट से, या फिर किसी हरियाणा से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान गुजरात किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो क्या होता है आपकी स्टेट की कुछ वैकेंसीज आती है, वो हर साल तो नहीं आती, कभी कभी 2 साल के गैप में आती, कभी 3 साल के गैप में, तो वो तो बहुत ज्यादा रैंडम है, आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 साल के बाद आएंगी वैकेंसी, तो ऐसा नहीं है, बहुत टाइम के बाद आती है। उसका मैंने खुद देखा है, अभी जैसे मैं काफी टाइम से मतलब ये नोट कर रही हूँ कि किस तरह का क्राइटेरिया होता है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या सीन होता है, अगर वैकेंसीज आती हैं तो वो क्या होता है उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि उनको एमएससी प्लस नेट चाहिए, दिस इज वन। तो अगर आपके पास एमएससी प्लस नेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका काम कितना, फॉर्म फिल करने जितना। अब उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज है सिलेक्शन की, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें होगा आपका एग्जाम। हाँ जी, आपका वापस से एग्जाम होगा, नेट तो सिर्फ एलिजिबिलिटी कवर कर रहा है, वापस से अपना एग्जाम होगा। एग्जाम में जनरली क्या होता है, आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, सब्जेक्ट और साथ में जीके। तो जिस भी स्टेट का वो एग्जाम है, सपोज करो महाराष्ट्र स्टेट से आप बिलोंग करते हो, गुजरात से आप बिलोंग करते हो, तो उनमें वो सब्जेक्ट से आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पेपर में केमिस्ट्री तो आएगी ही, साथ में क्या होता है उस वाले स्टेट की जनरल नॉलेज भी आपसे पूछी जाएगी पेपर में, और कुछ स्टेट में क्या होता है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। तो एमएससी प्लस नेट के बाद में आपसे ये पेपर लिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम तो यही होगा, लेकिन जीके के भी कुछ 20-25 जितने भी वो स्टेट वाइज डिफरेंट होंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे एप्टीट्यूड का, कुछ पोर्शन आएगा। अब क्या होगा, एमएससी प्लस नेट वाले तो अप्लाई कर दिया, एग्जाम से क्या हुआ कुछ बंदे वैसे ही हो गए, फिल्टर हो गए, आ गए, चलो इतने आ गए, और फिर क्या हुआ जितने भी लोग इसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी इंटरव्यू की। अब आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो लोग ऐसे सोच के बैठे हैं कि नेट हो जाएगा तो हमें जॉब मिल जाएगी, तो ये तो बहुत ही बड़े सपने में हो, बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो मैं अपने खुद का बताती हूँ, ऐसा होता है जब मैं एमएससी में एडमिशन लिया था तो उस टाइम कैसे लगता था, अभी एमएससी करेंगे नेट निकालेंगे बस बनके लेक्चरर, तो ऐसा लगता था। बट अभी तो देखो रियलिटी ऐसी सी है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज की। अब उसके बाद आते हैं कि मैम ऐसे तो ना तो हमें सेंट्रल में थी, स्टेट में भी बहुत सारे पंगे, पेपर भी देना है वापस से, ऑलरेडी हमने इतना टफ पेपर निकाला है, उसके बाद और भी पेपर देना, फिर इंटरव्यू देना है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जॉब कहाँ मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, नेट हो जाएगा तो आपको कुछ बिल्कुल जॉब्स की लाइन लगी हुई, ऐसा नहीं है। तभी मैं आपको बोलती रहती हूँ, ऐसे डिमोटिवेट मत हुआ करो कि मेरा जो नेट नहीं हुआ पता नहीं क्या हो गया। तो भाई तुम मान लो कि तुम्हारा नेट हो गया, उसके बाद कौन सा तुम्हें घर पे जॉब के ऑफर आने वाले हैं, वो भी नहीं आने वाले, उसके बाद और भी स्ट्रगल बचा हुआ है अभी, है ना। तो अभी क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाली बात तो हमने कर ली, अभी हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी वाले वो भी गवर्नमेंट जॉब थी, सेंट्रल वाले भी गवर्नमेंट जॉब है, अभी बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस। जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहां पर कुछ ना कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो होती है, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेजेस में, ऐसे नहीं बोलते सब कॉलेजेस में ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी प्राइवेट कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसी एक दो ही रहती है, तो वहां पे एमएससी प्लस नेट प्लस इंटरव्यू। तो ये बात तो बिल्कुल लिख लो कि इंटरव्यू तो हर जगह पे ही होना है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू तो वहां पर भी होगा। तो ये एक काम कर सकते हो कि प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ा बेटर ऑप्शन होता है, वहां पर हो सकता है आपको एमएससी प्लस नेट प्लस इंटरव्यू करके ले लो। तो एक हमारा ये हो गया। उसके बाद एक और ये है कि जिस भी एरिया में आप रहते हो वहां पर कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इतने पॉपुलर नहीं होते, मतलब ठीक ठाक लेवल के होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं इस तरह से, तो वहां पर आप पढ़ा सकते हो। ऐसा मैंने खुद करते हुए देखा है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनकी वैकेंसीज जो है वो किसी नेशनल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पर जाके आप जैसे मतलब बात करने से, इंटरव्यू फेस में जैसे इंटरव्यू देने से, तो वहां पर हो जाता है। अब वैसे क्या है, मतलब ऐसा सुना है मैंने, ऐसा देखा है कई जगह पे। अच्छा एक और बात, अभी ना सिर्फ मैंने जो चीजें देखी है वो सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू या फिर जैसे भी जो भी मतलब न्यूज़पेपर में आता है उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो देखें तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज
कमेंट में हमें बता देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ मतलब एमएससी में एंटर किया है, जिन्होंने सिर्फ एमएससी पास आउट हुए हैं, तो उनको इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो जो सिनेरियो आपके अराउंड आपने देखा है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा ऐसा होता है क्या और कैसे कैसे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है टीचिंग में। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो हमारे पास ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो होता है, मतलब जो पोस्ट है, उसके लिए जो सैलरी होती है वो 57,000 अराउंड होती है। बट ऐसा भी देखा है कि कुछ जो होते हैं मतलब ऐसे कॉलेजेस, वो क्या होते हैं 25,000 के पे स्केल में बच्चों को ले लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं कि 25,000 किसको 20,000 में रख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है मतलब उनका कुछ भी चलता रहता है, जो भी है उसमें नेट अगर आपका होता है तो आपके एरिया के जो कॉलेजेस है वहां पर आप ट्राई कर सकते हो, उनके इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। तो ये वाली बात होगी। तो ये तो बात है आपकी लेक्चरशिप की, आप इसमें तब जा सकते हो अगर आपका सिर्फ LS हुआ है, मतलब सिर्फ नेट हुआ है तो भी, और अगर आपका GRF है तो भी आप ऐसे कॉलेज में जाके ट्राई कर सकते हो। और बाकी स्टेट के जो एग्जाम्स आते हैं, फिर आपको एग्जाम और इंटरव्यू देके आप वहां पे एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पूरा हो गया है, बस इन दोनों चीजों को देखना है, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमारी लेक्चरशिप की। उसके बाद कुछ बच्चे ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो लोग CSIR नेट का पेपर दे ही इसलिए रहे हैं कि उनको PhD करनी है। अभी PhD करने के लिए क्या होगा, अब PhD करने का मतलब फायदा क्या होगा हमारा GRF का? तो जिन लोगों के पास GRF होता है, GRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अगर आप PhD करते हो, आई रिपीट, अगर आप PhD करते हो तो ही आपको वो स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे मेरे पास GRF है, मेरा GRF को रखा है, बट क्योंकि मैंने PhD जो नहीं करी है तो मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलता है। ये वाली भी बात मैंने बहुत बार देखा है, वो क्वेश्चन होता है कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है। जब मैं PhD कर ही नहीं रही तो मुझे स्टाइपेंड कैसे मिलेगा? इसीलिए जो लोग जिनका GRF हो रखा है और उसके बाद वो PhD में अप्लाई करते हैं, PhD आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, IIT से अगर आपका GRF हो रखा कर सकते हो। अब क्या होगा, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा अगर आपका GRF हो रखा है? तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ योर MSc, नॉट MSc, फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ योर PhD आपको कितना मिलेगा? 25,000 पर मंथ। जैसे ही आप अपने थर्ड ईयर में जाओगे, PhD थर्ड ईयर में जाओगे, तो उसके बाद ये इंक्रीज होके हो जाएगा 28,000, और फिर इसका जो नाम है हो जाएगा SRF। अभी ये है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जैसे आप अपने PhD के टू ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो, फर्स्ट टू ईयर्स, उसके बाद आपको मिलते हैं 28,000 पर मंथ, और इसको फिर हम बोलते हैं GRF चेंज होकर बन जाता है ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ऐसा स्टाइपेंड रहता है। तो यही फायदा होता है GRF करने का, आपके जो आपके एक्सपेंसिस GRF में जो आपको केमिकल्स चाहिए होंगे, जितना भी आपका एक्सपेंस आएगा वो आपके स्टाइपेंड में कवर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप विदाउट इसे करते हो, मतलब आपके पास अगर नेट तो होगी नहीं, अगर आपके पास GRF नहीं है, अच्छा हाँ, जो लोग नेट, ऐसा भी नहीं है कि आपको GRF चाहिए ही होता है, कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर अगर आपका नेट भी क्वालिफाई है तो भी आप PhD कर सकते हो, बट डिफरेंस ये आएगा कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ GRF या नेट निकाल के ही आप मतलब किसी PhD में अप्लाई कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटी से, ऐसा भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे अगर मुझे DU का पता है, मैं DU से हूं, तो DU में क्या होता है, उनका खुद का पेपर भी होता है। ऐसे कुछ IIT जैसे IIT दिल्ली, उनका खुद का पेपर भी होता है, जो आप पेपर क्लियर करो, इंटरव्यू होगा, और फिर आप वहां से PhD कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, फिर आपको जैसे आप अपनी फी देते हो, फिर आपको वैसे सारे एक्सपेंसेस खुद से उठाने पड़ेंगे। इसीलिए लोग क्या करते हैं, GRF करते हैं ताकि उनको स्टाइपेंड मिले, पर मंथ उनको 25,000, उसके बाद 28,000 मिले, ठीक है। तो PhD तो वैसे भी कर सकते हो विदाउट GRF वैसे, पर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात होगी हमारी PhD वाली। अब ये है कि मैम ये तो चलो PhD तो कर ली नहीं, इसको तो काट दिया, लेक्चरशिप के लिए वैकेंसी नहीं आ रही कहीं पे, मिल नहीं रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन होता है हमारे पास? तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि ना बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी आती रहती है इनकी। आपको अगर आप फॉलो करोगे ना जो वेबसाइट्स हैं, या फिर जितने जैसे सरकारी Naukri.com करके आता है, या फिर फ्रेशर्स लीव करके आता है, Indeed.com, ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे क्या होता है आप रेगुलरली चेक कर सकते हो इनकी वैकेंसीज। तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आती है GRF। GRF का मतलब क्या है? GRF का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलो। जो पोस्ट होती है आपकी वो क्या है? जूनियर रिसर्च फेलो। ये PF क्या है? प्रोजेक्ट फेलो, दिस इज प्रोजेक्ट फेलो, और PA क्या है? प्रोजेक्ट असिस्टेंट। तो इन तीनों की ही पोस्ट आती रहती है। इसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पे ना कई सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी स्क्रीन पे, आप देखते रहना किस तरह की एलिजिबिलिटी मांगी होती है। जनरली क्या होता है, GRF की पोस्ट के लिए या फिर प्रोजेक्ट फेलो के लिए
प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए क्या होता है, जनरली आपसे एमएससी मांगते हैं और फिर साथ में आपका जेआरएफ मांगते हैं। तो इससे क्या होगा, आप मतलब क्या होगा, इससे जो प्रोजेक्ट है, जेआरएफ का मतलब ये होता है अगर आप इन किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। अब ये पोस्ट आपकी यहाँ पर पहले वो देखे थे जो मैं बता दू स्टाइपेंड वगैरह क्या सीन है। तो सीएसआईआर जो सीएसआईआर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट करवा रही है पूरा एग्जाम, उसे खुद की भी लैब्स है इंडिया में, अराउंड 37 रिसर्च लैब्स है हमारे सीएसआईआर की। तो उन लैब्स में आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे उनकी वैकेंसी आएंगे जेआरएफ की पोस्ट के लिए तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, मतलब नॉट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 47 रिसर्च लैब्स है अक्रॉस द कंट्री और वहां पर मतलब जेआरएफ की पोस्ट और बहुत ज्यादा रेगुलरली पोस्ट आती रहती है। डीआरडीओ में तो बहुत ज्यादा पोस्ट आती है जेआरएफ की, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। आईसर्स में, आईआईटीज में, जितनी यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पे सब पे सब में क्या होता है, जेआरएफ की पोस्ट आती ही रहती है। अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो आपको मतलब ऑल्टरनेट डेज पे देखने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं पर जेआरएफ की पोस्ट आई हुई है। ऐसे ही एनआईटीज, नाइपर, बीएआरसी, आईजीसीआर, इसरो, इनमें भी क्या होता है, जेआरएफ की पोस्ट आती है। बीएआरसी की मैंने भी देखी थी कुछ लास्ट मंथ, जैसे लास्ट मंथ बीएआरसी की पोस्ट आई हुई थी। तो ये वाला आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जेआरएफ प्रोजेक्ट फेलो या फिर एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट आप कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब मुझे आपको बताना है कि एक्चुअल में होता क्या है, आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे सपोज करो, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी ने सपोज करो बीएआरसी में निकाला है, बीएआरसी ने आपको मतलब ऐसे रिक्रूटमेंट निकाली है कि हमें जेआरएफ की हमारे पास 6 पोस्ट है सपोज करो। अब क्या होगा, उनका ना कोई प्रोजेक्ट होता है, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको टाइटल देंगे, हमारे ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए हमें जेआरएफ चाहिए, जिनके जेआरएफ हो रखे हैं केमिस्ट्री से, हम उनको रिक्रूट करेंगे और इंटरव्यू तो होगा। ये वाली बात ध्यान रखो, इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए जिनको लगता है कि भाई हमारा कोई बात नहीं सिर्फ अच्छा हाँ एक और बात बताना हुई भी, जो ये वाली पोस्ट आती है जेआरएफ की, प्रोजेक्ट फेलो की, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, जब आप इनका फॉर्म फिल करते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डाउट्स आपकी क्लियर करेगी। जब आप इनका फॉर्म फिल करते हो तो आपसे क्या करते हैं, जेआरएफ तो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो रखा है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसमें वो आपकी रैंक लिखवाते हैं, आपकी जेआरएफ की रैंक आपसे पूछी जाएगी। तो जिनको ये लगता है कि मैम जेआरएफ तो सिर्फ एक स्टाइपेंड होता है, चाहे आपकी रैंक 500 आए चाहे आपकी रैंक 5 आए, कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो ध्यान से देखो, सिर्फ पीएचडी नहीं होती है हमारी जेआरएफ से, ये वाली चीजें भी होती हैं। और यहाँ पर सपोज करो आपकी सिर्फ 6 वैकेंसी आई हुई है, ज्यादा ही बोल रही हूँ मैं, 6 नहीं आती, कभी 2 वैकेंसी होती है कभी 1। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप देखना जितनी वैकेंसीज के मुझे मिले, तो ऐसा होता है कभी 1 वैकेंसी आती है कभी 2 वैकेंसी आती है, तो समझ के चलो सिर्फ 2 वैकेंसी कहीं पे आई हुई है, 10 बच्चे हैं जेआरएफ वाले जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप बताओ क्या इनकी रैंक मैटर नहीं करेगी। ऑब्वियसली रैंक मैटर करेगी, इसलिए कंट्री में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही वाला मतलब इनमें वर्क करना उनको अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, यही सब ज्वाइन करते हैं। किसी को बीएआरसी से करना है भाई, जेआरएफ की पोस्ट उनको चाहिए, तो अब क्या होता है, उनको रैंक फिल करनी पड़ती है वहां पर। तो जिसको ये लगता है कि 500 में और 5 रैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, वो कभी ये वाला इंटरव्यू देख के देखना, और फिर आप 500 रैंक वाले अगर आप हो तो फिर ये देखे देखना, आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये बोलना कि जो लोग रीअपेयर करते हैं वो एक सीट वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ से ये भी समझ आओ, लोग वेस्ट नहीं करते हैं, हर किसी की अपनी एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपको रैंक फिल करनी होती है, उसके बाद ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, बस ये इसलिए होता है, आपको ना हर बार मेंशन किया होगा कि जो ये वाले रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं वो 1 साल के लिए है, या फिर जो प्रोजेक्ट है हमारा हमने ऐसे एस्टिमेट लगाया कि वो 2 साल तक चलेगा, तो आपको 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट है ये, आप 2 साल तक वहां पे काम करोगे। उसके बाद लिखा होता है साथ में कि 2 साल का स्टाइपेंड, जिसे आप देखोगे कईयों में 25,000 होता है, कईयों में 31,000 होता है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, 31,000 आपको मिल रहा होता है स्टाइपेंड, और साथ में आपको मिल रहा होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, इस तरह के कुछ होते हैं मतलब। तो आपको क्या होता है, अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो आपको 31,000 पर मंथ या फिर एचआरए वगैरह मिलता है, वो सबका अलग अलग होता है, ये नहीं कि सबको 31,000 मिलेगा, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है, सब अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं जैसे भी उनको ठीक लगता है। तो 2 साल के बाद कईयों में ऐसा लिखा होता है कि आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट को पसंद आती है तो वो आपका जो 2 ईयर्स का प्रोजेक्ट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जो आपको ये जो आप जेआरएफ फेलो के मतलब एज अ जेआरएफ ज्वाइन कर रहे हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपका एक्सटेंड हो जाए, 2 साल के लिए आपको वो 3 साल या फिर 4 साल के लिए रख ले। लेकिन ये वाली बात ध्यान रखने वाली होती है, अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हो तो फिर 1 साल के लिए ही वैलिड है, और फिर भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया, 2 साल का प्रोजेक्ट था आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जब आप बाहर आ रहे हो इंस्टीट्यूट से, तो आपका जो जेआरएफ था वो सिर्फ
दो साल के लिए ही वैलिड होता है, वो अब टर्मिनेट हो चुका है, आप उसको वापस से यूज नहीं कर सकते हो, तो इस चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यही सब है सीएसआईआर नेट और जेआरएफ के बारे में जितनी नॉलेज मुझे थी। और बाकी अगर आप में से कोई लेक्चरशिप में है या फिर ऐसे मतलब कोई प्रोजेक्ट फेलो है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितनी चीजें मैंने बोली है वो सिर्फ हमें वेबसाइट्स पर देखने को मिलते हैं, एक्चुअल में इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही चलता है। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज और है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वो जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी एमएससी कर रहे हैं वो भी कमेंट्स एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि उनको पता चले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे इंडिया में और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कुछ चीजें आपको पता चली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।